रिश्तों को सुधारने के लिए सती सिंबल का इस्तेमाल सेक्रल चक्र पे करें। जितने भी थर्ड लेवल के हीलर्स हैं, जितने लोगों ने भी मास्टर लेवल लिया हुआ है, थर्ड लेवल की डिग्री ली हुई है, उन सभी लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि रिश्तों को, किसी भी तरह के रिश्ते बिगड़े हुए हैं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, लवर जो होंगे उनके रिश्ते, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, यानी कि परिवार के किसी भी तरह के रिश्ते, या बिजनेस से रिलेटेड कोई रिश्ता गड़बड़ है, या कोई बिजनेस पार्टनर है उससे भी रिश्ता गड़बड़ है, तो उन सारे लोगों से रिश्ते को सुधारने का सबसे रामबाण उपाय है कि आप सती सिंबल का इस्तेमाल करें और अपने सेक्रल चक्र पे, यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र पे इस सिंबल का इस्तेमाल करें। स्वाधिष्ठान चक्र नाभि चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस से नीचे, और रूट चक्र जो बेस ऑफ द स्पाइन चक्र है, रूट चक्र उसके बीच में सेक्रल चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र होता है। जितने भी रेकी हीलर्स होते हैं उन सबको सातों चक्रों के बारे में अच्छी तरह से पता होता है, और सेक्रल चक्र कहाँ पे है, स्वाधिष्ठान चक्र, ये भी पता होता है। तो आप सबसे पहले सती सिंबल को चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। सती सिंबल जो लोग मास्टर सिंबल ले चुके हैं, यानी कि दाई को म्यू जिनके पास है, यानी कि उनके पहले हंसा जोशन से है कि चोकुरे, ये सिंबल्स तीनों होंगे, उसके बाद दाई को मास्टर लेवल में ये सिंबल भी होगा, तो अब इसके बाद सती सिंबल का इस्तेमाल करना है। बिना मास्टर लेवल लिए आप सती सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपका कोई रिलेटिव है या बिजनेस पार्टनर है, रिश्ता उससे ठीक करना है, तो आप एक हीलर है। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि किसी दूसरे पर्सन को आपसे हीलिंग करानी है, वो पर्सन हीलर नहीं है, दूर बैठा हुआ है, देश के किसी भी कोने में या विश्व के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, और आपसे कॉन्टैक्ट करता है कि उसका रिश्ता किसी से गड़बड़ है। अब वो रिश्ता किसी से भी हो सकता है, तो मान लीजिए कि उसका रिश्ता उसके पति से गड़बड़ है, उसका पति उसकी पत्नी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उस लेडी का फोन आता है आपके पास और वो कहती है कि मेरा पति मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता और गलत तरीके से बिहेव करता है, तमाम तरीके की मुझे प्रताड़ना देता है और मेरा रिश्ता उससे अच्छा नहीं है, गड़बड़ हो गया है और हम रिश्ता सुधारना चाहते हैं। तो आप सिंपल उससे उसका नाम, एज, एड्रेस और उसकी फोटो व्हाट्सएप पे या मेल से मंगा लीजिए और आप अपने हीलिंग रूम में बैठ जाइए। जहां पर भी आप हीलिंग करते होंगे, आप एक हीलर हैं, एक्सपर्ट हीलर हैं, अच्छे हीलर हैं, और आपका एक हीलिंग का स्थान होगा, उस स्थान पे आप रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे और एक चार्ट लेंगे, पेपर, ब्लैंक पेपर, चार्ट पेपर, उसके ऊपर सती सिंबल ड्रॉ कर देंगे। सती सिंबल ड्रॉ करके, आपको मालूम है सती सिंबल कैसे ड्रॉ किया जाता है, और उसके चारों पार्ट में चार सिंबल्स भी बने हुए हैं, हंसा जैसे नैन से की चोकुरे दाई कुमे, ये बना हुआ है, और बीच में दो सर्किल बने हुए हैं लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट वाले में उस पत्नी का यानी कि उस लेडी का फोटो लगाइए और राइट वाले में उसके हस्बैंड का फोटो लगाइए, यानी कि जो एज में और पद में, यानी कि जो पद में छोटा है, एज में तो छोटा हो सकता है लेकिन जो पद में छोटा है उसका लेफ्ट हैंड में उसको लगाना है, उसकी फोटो लगाना है, और जो पद में बड़ा है उसका राइट सर्किल में फोटो लगाना है, उसकी नाम लिख देना, उसका नाम लिख देना है, और चारों कॉर्नर पे पिरामिड लगा दीजिए या क्रिस्टल लगा दीजिए। पिंक कलर का क्रिस्टल हो तो और अच्छा है, नहीं है तो सिर्फ आप कोई भी क्रिस्टल लगा दीजिए, किसी भी कलर का, चारों कॉर्नर पे लगा के और पूरा चार्ट पे रख दीजिए, और उसकी प्रॉब्लम जैसा कि आपने डायरी में आपको लिखना है कि इन दोनों के भीतर दोनों में रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं। जब आप ये पूरा चार्ट बना लेंगे, ये सिंबल ड्रॉ कर लेंगे और दोनों की फोटो लगा के रख लेंगे, तब क्या करना है, रेकी कॉल करना है। आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई पार्टनर्स। और पार्टनर यानी कि उन दोनों का नाम ले लीजिए, उस फीमेल का और मेल का, दोनों का नाम ले लीजिए और दोनों में एक अफर्मेशन डालिए कि इन दोनों में अब बहुत अच्छा रिश्ता है, दोनों मिलजुल कर अपना वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। जब इतना आपने अफर्मेशन डाल दिया तो पूरे चार्ट को, यानी कि चार्ट पे जो सिंबल बना हुआ है, सती सिंबल बना हुआ है, उस सती सिंबल को अपने थर्ड आई में लीजिए,
और उन दोनों के चेहरे को फोटो को थर्ड आई में लीजिए और उनका नाम लीजिए और याद कीजिए उन्हें एक बार विजुलाइज कीजिए थर्ड आई में, और थर्ड आई में ही व्हाइट ब्राइट लाइट यानी कि सफेद प्रकाश से घिरा हुआ पाइए थर्ड आई में ही। सफेद प्रकाश से घिरा हुआ पाने के बाद अब आप सिंबल ड्रॉ कीजिए, मन ही मन माइंड के अंदर सिंबल ड्रॉ करना है बिना किसी हाथ के सहारे बिना किसी पेन के सहारे, और आपको माइंड के अंदर हंसा जेसुनिन ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट करना है। जैसे हंसा जेसुनिन ड्रॉ कर दिया अपने थर्ड आई में, हंसा जेसुनिन हंसा जेसुनिन हंसा जेसुनिन थ्री टाइम चैंट, सेहे की ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट सेहे की सेहे की सेहे की, चोकुरेई ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट चोकुरेई चोकुरेई चोकुरेई। फिर मास्टर सिंबल ड्रॉ कीजिए डाइकोम्यू ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट कीजिए डाइकोम्यू डाइकोम्यू डाइकोम्यू। देन सती सिंबल ड्रॉ करिए उसके ऊपर, फिर से सती सिंबल ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट कीजिए सती सती सती। जब ये फाइव सिंबल्स आपने ड्रॉ कर लिए, फाइव सिंबल ड्रॉ करने के बाद आप दोनों हाथों को कप शेप में कीजिए और जो सामने चार्ट है चार्ट के ऊपर आपने दोनों हाथों को रख लिया और दोनों की फोटो ढक गई आपके दोनों हाथों से। यहाँ पे व्हाइट ब्राइट लाइट से घिरा हुआ पाइए और सफेद प्रकाश निकलता हुआ देखिए उनके पूरे फोटो के ऊपर जा रही है, और आप यहाँ पर वापस ये फाइव सिंबल्स ड्रॉ कीजिए। हंसा जेसुनिन जैसे आपने थर्ड आई में ड्रॉ किया था उसी तरह से ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट, सेहकी ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट, चोकुरे ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट, दाइकुमी ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट एंड सती सिंबल ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट करके आपने अब विजुलाइज करना शुरू किया, अफर्मेशन देना शुरू किया दोनों का नाम लेकर। इन दोनों में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, सुख में हैं, शांति में हैं, खुश हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इन दोनों के मन के अंदर एक दूसरे के लिए जो नफरत की फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई है, अब दोनों के भीतर बहुत ही प्यार की फीलिंग है, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। जब आपने इतना अफर्मेशन दे दिया अब क्या करना है कि अब उन दोनों के सैक्रल चक्रा को, सैक्रल चक्रा सैक्रल यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र जैसे पहले बताया, स्वाधिष्ठान चक्र पे फोकस कीजिए दोनों के, और दोनों के स्वाधिष्ठान चक्र पे फोकस करके सिर्फ और सिर्फ सती सिंबल ड्रॉ कर दीजिए दोनों के स्वाधिष्ठान चक्र पे, सती सिंबल सती सिंबल स्वाधिष्ठान चक्र में ड्रॉ करके डाल दीजिए उसके अंदर, सती स्वाधिष्ठान चक्र के अंदर सती सिंबल को डाल दीजिए ड्रॉ करके थ्री टाइम चैंट करिए, और फिर दोनों के सैक्रल चक्रों पे विजुलाइज करके दोनों हाथ रखिए और हाथ रख के फिर अफर्मेशन देना शुरू कीजिए कि इन दोनों के सैक्रल चक्र बहुत ही एक्टिवेट है, चार्ज है, बैलेंस है। इन दोनों के सैक्रल चक्र में एक दूसरे के लिए अगर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव थॉट्स है तो वो सब रिमूव हो गई है और ये दोनों आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं और इनका स्वाधिष्ठान चक्र पूरी तरीके से एक्टिवेट है, चार्ज है, बैलेंस है और किसी भी तरह की नेगेटिविटी पूरी तरीके से रिमूव हो गई है। क्लिंच क्लिंच क्लिंच, हील हील हील, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, चार्ज चार्ज चार्ज, एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। ये सब बार बार कई बार 10 से 15 मिनट तक आप ये अफर्मेशन देते रहेंगे और वापस जब इतना कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा टाइम देकर वापस पूरा सती सिंबल जो आपने ड्रॉ किया हुआ है और उनकी फोटो उठा के वापस थर्ड आई में लेकर आइए और थर्ड आई में लेके व्हाइट ब्राइट लाइट से घिरा हुआ पाइए। तो व्हाइट ब्राइट लाइट से घिरा हुआ पाने के बाद वापस आपको वही फाइव सिंबल्स ड्रॉ करने हैं और थ्री टाइम चैंट करने हैं, और थैंक्स टू रेकी, थैंक्स टू माय पार्टनर, थैंक्स टू सती सिंबल्स, थैंक्स टू सैक्रल चक्रा। इतना करने के बाद रेकी को डिस्कनेक्ट करेंगे, ये डिस्कनेक्ट करने का तरीका, थैंक यू। ये पूरा प्रोसेस इस तरह से कीजिए और सामने वाले को जिसको आप हील कर रहे हैं उसको आप पॉजिटिव अफर्मेशंस के कमेंट्री भेजिए अपने पास से, अपनी रिकॉर्डिंग भेजिए उसको, और रात को सोने से पहले और सुबह उठकर एक बार दोनों टाइम मिलाकर वो एक एक घंटे कम से कम जब आप हीलिंग कर रहे हो वो टाइम आप उसको बता दीजिए कितने टाइम पर हीलिंग कर रहे हैं, वो टाइम उसी टाइम पर वो अफर्मेशन भी अपने लिए देना शुरू कर दे। अगर वो फीमेल हीलिंग करा रही है, मेल पर्सन को नहीं मालूम है आप उसके हस्बैंड को, तो उस लेडी को ये अफर्मेशन दे दीजिए कि वो
ऐसा करे, वहां पर लेट कर या बैठ कर हेडफोन लगा के उसको रिकॉर्डिंग भेजिए अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन की, वो पॉजिटिव अफर्मेशन की रिकॉर्डिंग बिल्कुल ही परफेक्ट होना चाहिए। तब देखिए उस पर्सन को कितना अच्छा रिजल्ट आता है। इतना सिंपल तरीके से अगर आप रेकी करते हैं उसको रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। वो खुश होकर जरूर बोलने वाली है कि अब हम दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं और दोनों हम लोग मिल गए हैं, यहाँ तक कि डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी, फिर भी हम अब डिवोर्स कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और रहना वायदा कर रहे हैं, एक साथ रहने के लिए वायदा कर रहे हैं। तो आपको थैंक यू बोलने वाला है, वो लेडी बोलने वाली है, और उसके अलावा जो आपने उससे मिनिमम फी चार्ज ली हुई है वो तो खुशी खुशी देने ही वाली है। तो आपका मेहनत और रेकी में जानते ही हैं कि कभी भी बिना कुछ लिए आपको रेकी नहीं देना है, और बिना मांगे, कोई बिना मांगता नहीं है आपसे तो रेकी मत दीजिए, और जब वो मांगता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आप लीजिए फिर रेकी दीजिए। रेकी का रूल है, प्रोफेसर मकाऊ उसे ने ये रूल बनाया है, तो इस रूल को फॉलो कीजिए। रिजल्ट 100% नहीं 1000% लीजिए। थैंक यू।